हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके, ये जो क्लासेस है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि आईएसपी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी का जो है फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर। अब है बेंकर्स एल्गोरिदम का जो है यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन बी है डेडलॉक के रिकवरी के लिए, ऑप्शन सी है डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, बैंकर्स एल्गोरिदम का जो है यूज किया जाता है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बैंकर्स एल्गोरिदम का जो है यूज किया जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए। अब है नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पियरिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन सी है नेशनल आईएसपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क एक्सेस टाइम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। इट मींस नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। अब है व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। आप लोग जो है अपने कंप्यूटर में जो है अगर कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो ये कहाँ पर जाएगा। ऑप्शन ए है रिसाइकल बिन में, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन डी है टास्क बार में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। इट मींस व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर इट गोज टू रिसाइकल बिन। ठीक है, इट मींस व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर इट गोज टू रिसाइकल बिन। अब है द नेटवर्क डेट प्रोवाइड्स हाइएस्ट कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज, यानी कि वो नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है तो वो कौन सा नेटवर्क होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है इंटर नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैन, यानी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड को प्रोवाइड करता है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड जो है प्रोवाइड करता है। अब है विच इज द लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है विच इज द लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हो जाएगा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हो जाएगा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क जो है स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क है। ठीक है, तो स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क जो है इन सभी में से वो जो हो जाएगा लैन, जिसे कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन जो है दोस्तों एक स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईडीएल। अब है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द आईडीएल, यानी कि आईडीएल का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन ए है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी है इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आईडीएल का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज।
ठीक है दोस्तों, आईडीएल का जो है फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कीजिए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कीजिए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। इनमें से जो है दोस्तों कौन सा नेटवर्क जो है स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, ये तो भी हम लोग देखे हुए थे ना, लैन होगा इसका आंसर। ये तो देखे हुए थे अभी जस्ट ही, तो इसको देखे थे, लैन होगा इसका आंसर। अब है व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड। अब है व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड, बूट स्ट्रैपिंग जो है किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है कोल्ड बूट को, ऑप्शन बी है कोल्ड हॉट बूट को, ऑप्शन सी है कोल्ड हॉट स्ट्रैप को, ऑप्शन डी है हॉट बूट को। तो दोस्तों बूट स्ट्रैपिंग जो है वो कहा जाता है कोल्ड बूट को, बूट स्ट्रैपिंग जो है वो कहा जाता है कोल्ड बूट को। अब है व्हाट इज ए प्रोटोकॉल, ए प्रोटोकॉल जो है क्या है। ऑप्शन ए है ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। ऑप्शन बी है लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। फिर है फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो प्रोटोकॉल जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स है ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है ये बताते, ठीक है, और इसमें जो है हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स और डीटीई जो है कम्युनिकेट करेगा, ये प्रोटोकॉल में ही होता है। अब है व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर, व्हाट इज द फेंस रजिस्टर यूज्ड फॉर। फेंस रजिस्टर का जो है यूज क्यों होता है। ऑप्शन ए है डिस्क प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन बी है सीपीयू प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन सी है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों फेंस रजिस्टर का यूज जो है वो होता है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों, फेंस रजिस्टर का यूज जो है वो होता है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। फेंस रजिस्टर का यूज जो है वो होता है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। अब है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज, ठीक है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का मेथड जिसमें ट्रांसमिशन डेटा जो है दोनों डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करे सेम टाइम पर, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है फोर वायर सर्किट, ऑप्शन सी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स, इसका आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स, यानी कि द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है डाटा का दोनों डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करे उसे जो है फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। अब है इफ़ द पेज साइज इंक्रीजेज द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो। अगर पेज साइज जो है इंक्रीज होगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों अगर पेज साइज इंक्रीज होगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, अगर पेज साइज इंक्रीज होगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब है द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन नेटवर्क जो है किसका जो है एक गुड एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है हाफ डुप्लेक्स का, ऑप्शन बी है सिंप्लेक्स का, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स का, ऑप्शन डी है ए एंड सी का। तो दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क जो है वो गुड एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का, टेलीफोन नेटवर्क जो है वो गुड एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा वो ऑप्शन है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है मैक, ऑप्शन सी है एमएस डॉस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमएस डॉस, एमएस डॉस जो है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, एमएस डॉस जो है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस को जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब है कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ,
कीबोर्ड और मॉनिटर जो है इनमें से किसका जो है गुड एग्जांपल है? सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का, सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का। तो दोस्तों कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो एग्जांपल है सिंप्लेक्स का। कीबोर्ड और मॉनिटर जो है दोस्तों वो जो है एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। अब है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब है कि वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो किसके ऊपर जो है बेस्ड होता है? सीपीयू के ऊपर, रैम के ऊपर, एड्रेस बस के ऊपर या फिर डेटा बस के ऊपर? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। यानी कि दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो एड्रेस बस पर बेस्ड होता है। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का साइज जो है वो एड्रेस बस पे जो है बेस्ड होता है। अब है सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक इज कॉल्ड। ए सेट ऑफ डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है या फिर मल्टी लिंक्स कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क हो जाएगा। यानी कि ए सेट ऑफ डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन लिंक से जो है कनेक्टेड रहते हैं उन्हें नेटवर्क कहा जाता है। ए सेट ऑफ डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होता है उसे जो है दोस्तों नेटवर्क कहा जाता है। अब है इफ ए पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर देन इट इज नोन एज। अगर जो है पेज नंबर ही ना फाउंड हो ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर में तो इसे कौन से नाम से जाना जाता है? ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस के नाम से, या फिर बफर मिस के नाम से, या फिर ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर हिट के नाम से, या फिर ऑल ऑफ द मेंशनड? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस। अगर जो है दोस्तों पेज नंबर जो है अगर फाउंड नहीं रहेगा ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर में तो इसे जो है ट्रांसलेशन लुक ए साइड बफर मिस के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब है नोट्स आर अनदर नेम ऑफ। नोट्स जो है अनदर नेम किसका होगा? लिंक का होगा, डिवाइस का होगा, मीडियम का होगा या मोड का होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।